आप सभी का नमस्कार। मैं श्रीमती रीता मंडल, पीजी उमाठे, पूर्व माध्यमिक कन्याशाला शांति नगर, जिला रायपुर से। आज की कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों का, सभी शिक्षकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये जो नई पहल हुई है, मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए जो कक्षाएं हुई हैं आयोजित शुरू हुआ है, मैं चाहूंगी कि बहुत इस मैसेज को आप आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक बच्चों को इन कक्षाओं से जोड़ने के लिए आप प्रेरित करें। तो आज की जो कक्षा है बच्चों, वो गणित में आपका जो पाठ एक है, वर्ग एवं घन, उसका आज हम पहला भाग पढ़ने वाले हैं, वर्ग एवं वर्गमूल। इसी के अगले वीक जब आपका दूसरा क्लास होगा मैथ्स का, उसमें हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे घन एवं घनमूल के बारे में। आज की जो हमारी कक्षा है वो वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित है, जिसको हम अंग्रेजी में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कहते हैं। तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं बच्चों। तो बच्चों, जब आपका जन्मदिन होता है तब आप क्या करते हैं? मुझे पता है कि आप अपने दोस्तों के लिए चॉकलेट्स लेकर जाते हैं, है ना, और उनको आप चॉकलेट्स खिलाते हैं अपने जन्मदिन में। तो उसी प्रकार बच्चों, मेरा भी जन्मदिन अब आने वाला है और मेरी चार कुछ खास सहेलियां हैं, और उन चारों सहेलियों को भी मैं आपकी तरह चॉकलेट्स देना चाहती हूँ। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में चॉकलेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो उन मेरी चार सहेलियों को मुझे चार चार चॉकलेट्स देने हैं बच्चों। तो आप मुझे बताइए कि मैं कितने चॉकलेट्स खरीदूं? मुझे अपनी चार सहेलियों को चार चार चॉकलेट्स देने हैं, तो आप मुझे बताइए कि मुझे कुल कितने चॉकलेट खरीदने पड़ेंगे? जी हाँ बच्चों, आपने सही सोचा। मुझे यदि चारों सहेलियों को चार चार चॉकलेट्स देने हैं तो मुझे 4 × 4 यानी कुल 16 चॉकलेट्स खरीदने पड़ेंगे। और बच्चों, यहाँ पर जो 4 × 4 है, इसे ही हम गणित की भाषा में दूसरे प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे 4 का घात 2, यानी 4 × 4 को ही हम गणित की भाषा में दूसरे प्रकार से किस प्रकार से लिख सकते हैं? 4 का घात 2, 4 × 4 16 हो जाएगा। और इसे ही हम कहते हैं बच्चों 4 का वर्ग। जो आप ऊपर घात देख पा रहे हैं बच्चों, इसे ही हम कहते हैं 4 का वर्ग, जिसका उत्तर कितना आएगा? 4 × 4 16। तो मुझे कुल 16 चॉकलेट्स खरीदने पड़ेंगे। तो बच्चों, इसी से संबंधित है आज की हमारी कक्षा, वर्ग एवं वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग संख्या किसे हम कहते हैं, संख्याओं का वर्ग क्या होता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे आप नीचे उदाहरण देख पा रहे होंगे, यदि हमें 1 का वर्ग निकालना है तो हम 1 को 1 से गुणा करते हैं, तो हमें क्या उत्तर प्राप्त होगा? 1। यानी जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है 1, वेरी गुड। जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है 1 बच्चों, वो ही क्या है? वर्ग संख्या। इसी प्रकार बच्चों, यदि हमें 2 का वर्ग निकालना है तो हम किसका किससे गुणा करेंगे? 2 का 2 से गुणा करेंगे, और हमें उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है? 4। तो जो 4 है, जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ है बच्चों, ये ही क्या है? वर्ग संख्या। तो इस प्रकार से बच्चों, हम उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके उस संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो बच्चों छोटे संख्याओं का वर्ग है ना, 1, 2, 3, 4। कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक की वर्ग संख्याएं आपको पता रहनी चाहिए। आइए बच्चों, किसी भी चीज को जब हम गतिविधि के माध्यम से समझते हैं तो हमें वो चीज बहुत दिनों तक हमारे स्मरण में रहता है। तो आइए हम समझते हैं इसको एक गतिविधि के द्वारा। इसमें देखिए हमने क्या किया है, 1 से 10 संख्याओं को हमने पंक्ति में भी लिखा है, खड़ी पंक्ति में, और स्तंभ के रूप में भी लिखा है। आप देख सकते हैं 1 से 10 को आड़े रूप में भी लिखा गया है और खड़े रूप में भी लिखा गया है। और इसको क्या कर लिया हमने, डब्बे बॉक्सेस बना लिए हैं, ठीक है, टेबल बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जब हमको 1 का वर्ग निकालना है, ये जो गतिविधि है बच्चों प्रारंभिक
रूप में जब आप वर्ग को समझेंगे तो ऐसी गतिविधियां आपको बहुत उपयोगी लगेंगी और आपको मजा भी आएगा सीखने में। तो यदि आपको एक का वर्ग निकालना है बच्चों, तो आप देख सकते हैं आड़ी आड़ी पंक्ति में, आड़े स्तंभ में और खड़े जो आड़ी पंक्ति में और खड़े स्तंभों में एक-एक लिखा है। आप यदि उसके जो बाउंड्री बनी हुई है, आप यदि उसका गुणनफल करेंगे, एक का एक से गुणनफल करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? एक। तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल आपको उस डिब्बे के अंदर एक बिंदु दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बच्चों, एक बिंदु। इसी प्रकार बच्चों हमें यदि दो का वर्ग, दो का बताओ बच्चों, दो का वर्ग निकाल रहे हैं हम जब, तो जो आपको जो बाउंड्री बनी हुई है दो और दो की, एक पंक्ति में एक स्तंभ में दो दिखाई दे रहा होगा आपको, तो वहां पे मैंने बाउंड्री बनाई है, तो उस बाउंड्री के अंदर आप बताइए आपको टोटल कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं? जब हम दो का वर्ग निकालेंगे तो उस बाउंड्री के अंदर आपको कितने कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं? टोटल चार। तो ये चार कैसे आया बच्चों? दो का से गुणा करने पर हमें चार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बच्चों इस गतिविधि के माध्यम से आप 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग बिंदुओं को गिनकर बड़ी आसानी से और सरलता से याद कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने बच्चों 1 से 10 तक के लिए ऐसा टेबल बनाया है, ऐसा ही टेबल आप 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के लिए भी बना सकते हैं। आप अपनी कॉपी में बिंदी चिपका कर भी इस गतिविधि को कर सकते हैं, तो आपको बहुत मजा भी आएगा, खेल भी हो जाएगा और आप वर्ग संख्याओं को शुरुआती रूप में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये गतिविधि आप अपने घर में जरूर करिएगा और मुझे उसकी फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर मुझे जरूर भेजिएगा। आइए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है। देखिए बच्चों 1 से कम से कम बच्चों 20 तक की संख्याओं का वर्ग आपको रोज प्रैक्टिस करना है, और आपको कहीं से भी यदि कोई पूछे कि 16 का वर्ग कितना है, तो आपको बिल्कुल जल्दी से जवाब देना है। तो इस प्रकार से आप 1 से लेके 20 तक की कम से कम वर्ग संख्याएं आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए और उसको पढ़ते भी रहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब आप छोटी संख्याओं का वर्ग तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, पर बच्चों जब हमें बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना हो तब हम क्या करेंगे? बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हमें बड़ी संख्याओं का पहाड़ा तो हमें नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्याओं को हम गुणा करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं बच्चों, 47 का वर्ग निकालने के लिए क्या किया गया है? 47 को 47 से गुणा किया गया है। आपको गुणा करना आता होगा बच्चों, तो यहाँ पर मैं गुणा की प्रक्रिया भी बता रही हूँ जी। तो यहाँ पर 47 का वर्ग बच्चों देखिए गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? 2209 या 2209। तो इस प्रकार से आप बड़ी संख्याओं का जो वर्ग है वो उन संख्याओं को आपस में गुणा करके आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए दूसरे वाले प्रश्न में आपको 52 का वर्ग निकालना है। वर्ग के लिए बच्चों हमने क्या कौन सा संकेत इस्तेमाल किया है? घात 2। जो 52 के ऊपर आपको 2 दिख रहा है वो ही क्या है? वर्ग है। 52 का वर्ग, 52 का वर्ग मतलब 52 को 52 से आपस में गुणा करना है। 52 को 52 से जब हमने आपस में गुणा किया बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2704। तो इस प्रकार से बच्चों 52 का वर्ग कितना हो गया? उत्तर क्या मिल गया हमें? 2704। तो इस प्रकार से बच्चों आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्ग उन संख्याओं को आपस में गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं। जो मैंने इसके पहले आपको गतिविधि बताई थी वो आप छोटी संख्याओं के लिए कर सकते हैं, पर बड़ी संख्याओं के लिए आप इतनी सारी बिंदियां भी नहीं चिपका पाएंगे और इतना बड़ा आप टेबल भी बनाने में आपको असुविधा होगी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या करेंगे? संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब आप कोई भी संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, पूर्ण वर्ग को समझते हैं। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण वर्ग कहलाती है यदि वह किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है, अर्थात यदि m बराबर n का घात 2 यानी n² हो, तो m एक पूर्ण वर्ग है जहां m और n प्राकृत संख्याएं हैं। आपको पता ही होगा प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, और पूर्ण वर्ग हम यहाँ पर समझ रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया है, देखिए
144 जो है वो बच्चों 12 का वर्ग है, यानी 12 को 12 से गुणा करने पर हमें 144 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो 144 है वो क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि वह किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो इस प्रकार से बच्चों आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं। आइए अब हम एक दूसरी गतिविधि करते हैं जिससे आप पूर्ण वर्ग संख्याओं को आसानी से पहचान सकते हैं। ये भी बिंदुओं की गतिविधि है बच्चों। पूर्ण वर्ग, यदि हमें पूर्ण वर्ग को पहचानना है, जानना है, समझना है, तो हम इससे संबंधित एक मैं आपको गतिविधि बता रही हूँ, जिसमें देखिए पहले हमने 10 बिंदुओं को जमाने की कोशिश की है स्तंभ और पंक्ति के रूप में। जब मैंने 10 बिंदुओं को पंक्ति और स्तंभों में रखा बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी पंक्तियां बनी है? चार पंक्तियां बनी है, जिसमें से जो चौथी पंक्ति है वो अधूरी है, और जो स्तंभ है वो कितने बने हैं? तीन स्तंभ बने हैं। यानी हम 10 बिंदुओं को बराबर बराबर पंक्तियों और बराबर स्तंभों में बराबर नहीं बांट पाए, यानी जितनी पंक्तियां होंगी या जितने स्तंभ होंगे उतनी ही उसमें बिंदुएं भी होनी चाहिए, पर हमने 10 को जब जमाने की कोशिश की तो वो हम ऐसा नहीं कर पाए। आप दूसरे तरीके से भी इन बिंदुओं को जमा कर देखिएगा, 10 बिंदुओं को। तो आपको करना क्या है, जितने आपकी पंक्तियां रहनी चाहिए उतनी ही पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या भी रहनी चाहिए, पर आप कितने भी तरीके से कोशिश कर लीजिए आपका वो बराबर नहीं हो पाएगा, यानी 10 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी प्रकार बच्चों जब हमने 16 बिंदुओं को जमाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं चार पंक्तियां भी बन गई और चार स्तंभ भी बन गए, और पंक्तियों में जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या भी है। तो इस प्रकार बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जब हमने 16 बिंदुओं को, यानी जब यदि 16 संख्या को हम बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम उन बिंदुओं को आसानी से बराबर स्तंभों और पंक्तियों में जमा पा रहे हैं, और उन पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या भी बिल्कुल बराबर है। तो इस प्रकार बच्चों आप देख पा रहे हैं कि 16 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार बच्चों आप छोटी छोटी संख्याओं को बिंदुओं के माध्यम से जमाते हुए आप यह पता कर सकते हैं आसानी से कि ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो पूर्ण वर्ग कब होंगी बच्चों? जब बराबर पंक्तियां बन जाएंगी, उतनी ही पंक्ति बनेंगी और उतने ही स्तंभ बनेंगे, और उनमें जो बिंदुओं की संख्या होगी वो भी बराबर होगी। तो जब ऐसा हमारा फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा तभी हम उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। पर बच्चों क्या आपने सोचा है कि हमेशा हम बिंदुओं के माध्यम से क्या ये पता कर पाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? हमेशा हम बिंदुओं के माध्यम से ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो हमें बहुत ज्यादा बिंदुएं बनानी पड़ेंगी। तो उसका क्या तरीका है, दूसरा क्या तरीका है पूर्ण वर्ग पहचानने का? एक तरीका है बच्चों, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम पूर्ण वर्ग को पहचान सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं और उसमें फिर हम दो दो की जोड़ियां बना सकते हैं। यदि गुणनखंडों में सबकी दो दो की जोड़ियां बन जाती हैं बच्चों, तो हम उस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, और यदि नहीं बनती है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। तो आइए अब जानते हैं, चलिए अब मैं आपको एक दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान हम और किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि जिन भी संख्याओं की इकाई के स्थान में यदि आपको 2, 3, 7 या 8, आपको यदि इकाई के स्थान पर ये अंक दिखाई देते हैं, यानी ये जो संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। क्यों बच्चों, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण हो सकता है आप बताइए, आप में से किसी को पता हो यदि ऐसा क्यों होता है? यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 ये अंक अगर किसी संख्या में है तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, जो हमें उत्तर मिलता है उसमें इकाई के अंक जो है वो कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं होते हैं। इसीलिए
हमें जब बड़ी संख्याओं का पता लगाना हो कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो हम क्या क्या तरीका अपनाते हैं उसके लिए? हम इकाई के अंक, जो इकाई के स्थान पे जो अंक है, हम उसको देखते हैं। यहाँ पर जैसे आपको कुछ उदाहरण दिख रहे हैं, 4, 6, 7, 8, 9, 2, इतनी बड़ी संख्या है बच्चों, तो आप इसका यदि अभाज्य गुणनखंड भी निकालेंगे तो आपका बहुत सारा समय उसमें चला जाएगा। तो आपके पास और कौन सा तरीका है? ये तरीका है कि आप उसके इकाई के स्थान में जो अंक है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक दिखाई दे रहा है? 2। तो यानी ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार बच्चों, जो दूसरा उदाहरण दिया है, 5, 0, 4, 0, 6, 8, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो इकाई के स्थान पे जो अंक है यानी 8, 8 है, इसलिए ये संख्या भी जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे ही बच्चों आपको नीचे और भी उदाहरण दिख रहे हैं। तो कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं भी बच्चों आप बीच बीच में देते हैं, जैसे अभी 13 दिसंबर को NMMSE की परीक्षा है। ऐसी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के यदि बड़े बड़ी संख्याएं आती हैं और आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तब वहां पर क्योंकि टाइम लिमिटेशन भी होता है, तो आप ऐसी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसी उपयोगी बातों को ध्यान में रखिए और ऐसे प्रश्नों को आप उस तरीके से हल करिएगा जिससे आपको बहुत कम समय में आप पता लगा पाएंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि अब आप बड़ी से बड़ी संख्या भी यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बता पाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जो आखिरी वाला उदाहरण है बच्चों, 4, 3, 2, 2, 3, 0, 3, आप बताइए ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? अनम्यूट करके आप आंसर दे सकते हैं बच्चों, ये संख्या पूर्ण नहीं वर्ग है। नहीं है। वेरी गुड बेटा। क्यों नहीं है बेटा? क्यों नहीं है बेटा? हाँ, वेरी गुड। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है बेटा? 3 है, इसलिए ये जो इतनी बड़ी संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी आपको मिलेंगे, आप इन अंकों को ध्यान रखिए और इसी से फिर आप उन प्रश्नों को हल करिएगा। अब आइए जानते हैं कि संख्याओं का जो वर्ग होता है उससे संबंधित कुछ उसकी प्रॉपर्टीज है, हम उसको जान लेते हैं। ये भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही हमें यूजफुल होती है हमारे लिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमेशा सम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो सम होता है और विषम संख्याओं का जो वर्ग होता है वो विषम होता है। अब सम और विषम क्या होता है ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। उसका वर्ग कितना आया? 2 का वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों? 2 गुणित 2 करके। तो 2 का वर्ग कितना आया है? 4। तो 2 भी एक सम संख्या है, और जो उसका वर्ग आया 4, वो भी कैसी संख्या है? सम संख्या। ऐसी बच्चों देखिए, 4 का वर्ग देखिए, 4 का वर्ग कितना आया है? 16। तो 4 भी एक सम संख्या है और 16 भी क्या है? एक सम संख्या। इसी प्रकार 6 का वर्ग 36, 6 भी सम संख्या है और 36 भी सम संख्या है। तो बच्चों ये तो छोटे छोटे संख्याएं हो गई। अब मान लीजिए आपको 24 का वर्ग निकालना है, तो 24 का वर्ग सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा, ये आपको 24 को 24 से गुणा करने पर ही आप पता लगा सकते हैं। पर ये जो आपने गुणधर्म पढ़े हैं संख्याओं के वर्ग से संबंधित, इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि 24 का जो वर्ग होगा, आंसर कुछ भी आए पर जो भी वर्ग होगा वो सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा। तो 24 एक सम संख्या है, यानी जो भी उसका वर्ग आएगा, जो भी उत्तर आएगा, वो भी क्या होगा? एक सम संख्या होगा। उसी प्रकार बच्चों विषम संख्याओं के लिए भी सेम यही प्रॉपर्टी है कि जब संख्याएं विषम होंगी तो उनका वर्ग भी जो है वो विषम होगा। आप देख सक रहे हैं 63 का वर्ग, 63 का वर्ग कितना आया है? 3969। तो ये 63 क्या है? एक विषम संख्या है, और जो उसका वर्ग आया है, जो उसका स्क्वायर आया है, वो भी क्या है? एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, और आगे जो परीक्षाएं आप देंगे उसमें आपको ये कहीं ना कहीं काम आएंगी। अब हम बच्चों इसका आज की कक्षा का दूसरा भाग पढ़ते हैं जो कि है वर्गमूल। मुझे उम्मीद है कि आप वर्ग तो समझ ही गए होंगे अच्छे से। अब वर्गमूल को हम समझते हैं।
किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। बच्चों आप उदाहरण देखिए, 36 का वर्गमूल 6 है, वहां पे लिखा है, तो ये आपको कैसे पता चला? 36 का वर्गमूल 6 क्यों है? क्योंकि 6 × 6 करने से, यानी 6 का वर्ग ही क्या होता है? 36 होता है। तो बच्चों जिस भी संख्या का वर्ग है, जिस भी संख्या का वर्ग, जो भी गुणनफल आ रहा है, उसी का वर्गमूल वो संख्या होता है। जैसे 6 का वर्ग 36 है, तो 36 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 6 होगा। और वर्गमूल का चिन्ह भी आप देख सकते हैं कि वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है, और यदि हमें 36 का वर्गमूल लिखना है तो हम 36 के बाई ओर इस चिन्ह को लगाते हैं। बच्चों अब हम वर्गमूल तो समझ गए हैं होता क्या है, अब हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कैसे करेंगे? तो वर्गमूल ज्ञात करने की बच्चों दो विधियां होती हैं। सबसे पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरी विधि है भाग विधि, जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं। तो आज हम इस कक्षा में दोनों ही विधियों से एक-एक प्रश्न हम समझेंगे, ताकि हम इस विधि को अच्छे से समझ पाएं। और जो आगे आपके प्रश्न आएंगे कि आप इनका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप कोई भी विधि से, किसी भी विधि का प्रयोग करके उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहली विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि को समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा बच्चों, 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। बच्चों आपने गुणनखंड ज्ञात करना कक्षा 6वीं और 7वीं में भी सीख लिया है। तो यहाँ पर जो गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं बच्चों, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आपको नाम में दिखाई दे रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य, तो आपके जो गुणनखंड रहने चाहिए वो कैसी संख्याएं रहनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं रहनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने गुणनखंड ज्ञात किया है 400 का। 400 को जब हम 2 से भाग किए हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 200। 200 को फिर से हमने 2 से भाग किया है तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 100। 100 को फिर से हमने 2 से भाग किया है तो हमें प्राप्त हो रहा है 50। 50 को जब हमने 2 से भाग किया है तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है 25। 25 को जब हमने 5 से भाग दिया है तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है 5। और 5 को फिर से जब हमने 5 से भाग दिया तो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है 1। ये गुणनखंड ज्ञात करने में आपको कोई असुविधा हो तो आप जरूर सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो गुणनखंड हमने जितने भी प्रयोग में लाए हैं, जो जो गुणनखंड हमने प्राप्त किए हैं यहाँ पर, ये सभी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं तो आपको पता ही होगा बच्चों क्या होती है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ केवल एक से स्वयं स्वयं अपने आप से विभाजित हो सकती है। जैसे 2, 2 किससे भाग हो सकता है? एक से भाग हो सकता है, या फिर स्वयं से, यानी 2 से। इसी प्रकार बच्चों और क्या गुणनखंड आए हैं हमारे इस प्रश्न में? 5। तो 5 क्या अभाज्य संख्या है? क्या बच्चों बताइए, 5 अभाज्य संख्या है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। क्यों है बेटा, क्यों है 5 अभाज्य संख्या? एक एक से भाग अभाज्य संख्या है। ज्योति वेरी गुड। अपना नाम बता दो बेटा। नेताम। ओके, वेरी गुड ज्योति। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है बेटा जो केवल एक से या फिर स्वयं से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर जैसे कई बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर जैसे हमें 50 को भाग करना है तो सीधा वो किससे भाग दे देते हैं? 10 से। तो 10 से आपको डायरेक्ट भाग नहीं देना है बच्चों, ठीक है? आपको ऐसी संख्याएं चुननी है जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। 10 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो एक से भी भाग हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, और 10 से भी हो जाता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, उस नाम में ही आपको दिख रहा है अभाज्य, है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो फैक्टर्स आपको चुनने हैं वो सारे कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो ऐसा करके आप सारे गुणनखंडों को ज्ञात कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों को। उसके बाद आप संख्या के सामने उन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख लीजिए। आप देख पा रहे होंगे 400 बराबर
2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, तो हमने अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख लिया है। अब यहाँ पर हमने देखिए नेक्स्ट स्टेप में 400 के बाई ओर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया है, यानी हम नेक्स्ट स्टेप में 400 का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। जब हमने बाई तरफ वर्गमूल का चिन्ह लगाया है बच्चों, तो हमें दाई तरफ भी वर्गमूल का चिन्ह लगाना पड़ेगा, है ना। तो हमने 400 के बाई ओर 400 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगाया है, और उसके जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं हम उनके ऊपर भी वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। अब बच्चों ये जो वर्गमूल का चिन्ह है या जो वर्गमूल हमारी ज्ञात करने की विधि है, इसमें होता क्या है, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं उनमें हम दो दो की जोड़ियां बना लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे अंडरलाइन किया हुआ है, 2 × 2 को अंडरलाइन किया हुआ है, यानी हमने 2 की 1 जोड़ी बना ली है। इसी प्रकार आगे देखिए 2 × 2, उसमें भी अंडरलाइन किया हुआ है, उसके नीचे लकीर दिख रही होगी आपको, तो वो भी 2 की 2री जोड़ी है। और इसी प्रकार तीसरी जोड़ी हमें किसकी दिखाई दे रही है, कौन से संख्या की तीसरी जोड़ी है? किसकी है? 5 की 1 जोड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पर हमने जितनी भी जोड़ियां बनाई हैं, जब हम इन जोड़ियों में से एक एक संख्या को हम जब बाहर निकाल के गुणा करते हैं, तभी हमारा उस संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में, जहां पर हमने दो दो की जोड़ियों में से एक अंक, एक संख्या को बाहर निकाल लिया है, तो देखिए वहां से वर्गमूल का जो चिन्ह है वो हट गया है। तो ये आप सावधानी यहाँ पे जरूर बरतेंगे बच्चों, जब हम जोड़ी में से एक संख्या को जब हम बाहर निकाल लेते हैं, तब हमें वर्गमूल का जो चिन्ह है तब हमें वहां पर उस स्टेप में नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या किया है, 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा 400 का जो वर्गमूल है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने ज्ञात कर लिया है, जिसका उत्तर आया है हमारा 20। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वर्गमूल अगर 400 का वर्गमूल 20 है, यानी किसका वर्ग 400 है, किसका वर्ग 400 होगा? 20 का। वेरी गुड। तो 400 का वर्गमूल यदि 20 है तो 20 का वर्ग 400 होगा। और क्या 400 एक पूर्ण वर्ग है बच्चों? क्या 400 एक पूर्ण वर्ग है? अभी हमने पूर्ण वर्ग पढ़ा है। पूर्ण वर्ग कब होते हैं बच्चों? जब जो गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं और सब में उन गुणनखंडों में यदि दो दो की जोड़ियां बन जाती हैं, तो वो जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। यहाँ पर आप देखिए 400 में जो हमको गुणनखंड मिले हैं, जब हमने दो दो की जोड़ियां बनाई, तो क्या सबकी जोड़ियां बन गई? सबकी जोड़ियां बन गई हैं? यस मैम। हाँ, तो सबकी जोड़ियां बन गई है, इसलिए 400 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जो मैंने बिंदु वाला गतिविधि बताया बच्चों, वो छोटे संख्याओं के लिए है, 400 तो बड़ी संख्या है ना। तो 400 का आप कैसे पता करेंगे? गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और उन गुणनखंडों की जोड़ियां बना लेंगे। यदि सबकी जोड़ी बन जाती है तो वो जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हैं बेटा, मुझे खुशी है इस बात की, आप जवाब भी दे रहे हैं। मैं चाहूंगी जो दूसरे बच्चे जुड़े हैं वो भी जरूर जवाब दें। तो चलिए अब हम दूसरी विधि पढ़ते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की, जो है भाग विधि। भाग विधि बच्चों, क्योंकि आप सोच रहे होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि तो है ही, फिर दूसरी विधि क्यों हम दूसरी विधि क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों ये जो वर्गमूल जो हमने अभी निकाला, पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यदि सबकी जोड़ियां बनेंगी तो उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। पर भाग जो विधि है, भाग विधि से हम ऐसी संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं जो एक पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है। तो यही इसकी खासियत है भाग विधि की, कि ऐसी संख्याएं जिनका जो पूर्ण वर्ग नहीं है, हम उन संख्याओं का भी आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब इस प्रश्न को समझते हैं। 60516, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। और कौन सी विधि से निकालना है? भाग विधि से। तो देखिए बच्चों, हम इस प्रकार से लिख लेंगे प्रश्न को, और इसमें सबसे जो पहला स्टेप हमको करना है वो है बच्चों, हमको इकाई के अंक की तरफ से हमें दो दो अंकों की जोड़ियां
बना लेनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इकाई की तरफ में क्या है, 6 है, फिर उसके पास दहाई में क्या है, 1 है। तो इन दोनों की हम एक जोड़ी बना लेते हैं। फिर बाई ओर जाइए, आपको क्या दिख रहा है, 0 और 5 की एक जोड़ी दिख रही है। और उसकी बाई तरफ जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 6। तो ये जोड़ी नहीं बन पा रही है, फिर भी हम इसे एक जोड़ी के रूप में ही मानेंगे। हम 6 है तो वहां पे 0 6 उसको मान सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से भाग विधि में जो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, कि हमें इकाई की अंक की तरफ से हमें दो दो की जोड़ियां, दो दो अंकों की जोड़ियां उस संख्या में बना लेनी है। तो आप फिर भाग करना शुरू करेंगे तो कैसा करेंगे, 6 से, है ना, जो 6 आपको दिख रहा है, जो पहला जो जोड़ी आपको दिख रहा है, आपको क्योंकि हम ऐसी संख्या हमें खोजनी है जिसका गुणा स्वयं से करने पर हमें या तो 6 मिले या 6 से हमको कम मिले। तो आप सोचिए बच्चों, हम किसका गुणा किससे करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका हम स्वयं से गुणा करेंगे तो हमें जो उत्तर है, गुणनफल है, वो या तो 6 मिले या 6 से कम मिले। तो 1 का जब हम 1 से गुणा करते हैं तो 1 होता है, तो 1 तो छोटा हो जाएगा 6 से बहुत। 2 देख लेते हैं, 2 का गुणा जब हम 2 से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 4। तो 4 यहाँ पे देख लेते हैं, 3 को भी हम चेक कर लेते हैं बच्चों। 3 का जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9, तो जो कि 6 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें बड़ा नहीं लेना है, इसलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। 2 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4। आप देख पा रहे होंगे कि जो 2 है उससे हम भाग दे रहे हैं, और जो 2 हमें गुणनफल के रूप में मिल रहा है उसे हम भाग के दाई ओर लिखे हैं। तो 2 का 2 से गुणन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 4, जो कि हमने 6 के नीचे लिख लिया। अब हम घटाएंगे बच्चों, 6 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 2। अब हमें बच्चों जैसे हम भाग में अगली संख्या को उतारते हैं, अगले अंक को उतारते हैं, उसी प्रकार इसमें हमें अगले अंकों की जोड़ी को उतारना है। एक एक अंक को नहीं उतारना है, हमें अंकों की जोड़ी को उतारना है। तो 2 तो हमारा शेष फल था, शेष फल के बाद हम जो अगली जोड़ी उतारेंगे है 0 5। तो अब हमारी संख्या अब क्या बन गई है, 205। अब हमें ऐसा कोई संख्या ढूंढना है जिससे उस अंक को, उसके इकाई के आखिरी अंक को उसी से गुणा करने पर हमें क्या मिल जाए, या तो 205 मिल जाए या हमको उससे कम मिल जाए। और इसमें जो खास बात है बच्चों भाग विधि में, ये है कि जो 2 से हमने पहले 2 को गुणा किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 4। उसी 2 को हमें 2 के नीचे लिखकर हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो देखिए आप बाई तरफ देख पा रहे होंगे कि बाई तरफ आप देखिए यहाँ पे ये 2 हमने इस 2 से भाग किया था, और ये जो नीचे वाला जो 2 है इसको हमने यहाँ पर उतार लिया है, और इन दोनों 2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 4। यानी दहाई के स्थान का अंक हमें मिल चुका है। अब हम इकाई के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक रखें, जैसे यहाँ पर क्या क्या लिए हमने, कौन सा अंक लिया है, 4। यानी 44 को जब हम 4 से गुणा करेंगे, किससे करेंगे, 4 से, ये जो इकाई के स्थान में जो हमने अंक खोजा है उसी से हमको गुणा करना है। तो 44 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 176। बच्चों यहाँ पे यदि मैं यहाँ 45 लिखती तो हमें किससे गुणा करना पड़ता, इधर क्या लिखना पड़ता, हमें 5 लिखना पड़ता, और 45 का जब मैं 5 से गुणा करती तो क्या हो जाता, उत्तर हमें 205 से अधिक मिलता। पर हमें अधिक उत्तर नहीं चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 44। क्योंकि हमने इकाई के स्थान पर 4 लिया है, इसलिए यहाँ हमें जो उत्तर के स्थान पर 2 के बाद हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 44 का जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 176। अब हम 205 में से जब 176 को घटाएंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा, 29। और इसके बाद हमें अगली जोड़ी को नीचे उतार लेना है। अब बच्चों जैसा कि हमने इसके पिछले स्टेप में किया था, 44 में हम किसको जोड़ लेंगे, 4 को जोड़ लेंगे। हमने 4 यहाँ पे उत्तर में, देखिए हमारा जो दूसरा अंक है वो क्या है, 4 है, तो हम 44 में 4 को जोड़ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 48। अब हम 48 के बाद ऐसा कौन सा अंक ले जिससे इस पूरी संख्या को गुणा करने पर हमारा जो उत्तर है वो 2916 या उससे कम हमें प्राप्त हो। तो 48 के बाद यदि हम 6 अंकों को लगाएंगे, यानी 486 को 6 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2916।
तो इस प्रकार बच्चों 2916 को 2916 से घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? शून्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमारी जो भाग विधि की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर समाप्त होती है और हमारा जो उत्तर आया है वो क्या आया है? 246। यानी 246 को 246 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 60,516। तो इस प्रकार से बच्चों भाग विधि जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जितना इसको अभ्यास करते जाएंगे आप उसमें इतने ही अच्छे होते जाएंगे। तो अब जो आज जो हमने कक्षा में पढ़ा वर्गमूल ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या, उसी से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पहला देखिए उदाहरण 284193, ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है बताइए आप। इतनी बड़ी संख्या है तो मैंने क्या बोला है, हम इकाई के स्थान के अंक को देखेंगे। यहाँ पर इकाई के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों? 3 दिखाई दे रहा है। तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी? कोई भी जवाब दे सकते हैं आप लोग अनम्यूट करके। होगी क्या बच्चों? फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है ए वाला, वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? नहीं नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि उसके इकाई के स्थान पर 3 है। बी वाला बताओ बेटा, 541252, वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? नहीं ये भी नहीं है। वेरी गुड, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 2 है। सी वाला बताइए, 201458, ये जो संख्या है ये क्या ये पूर्ण वर्ग है? ये भी नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, आप समझ गए हैं अच्छे से, मुझे लग रहा है आपके आंसर से। क्वेश्चन 2 देखिए, 39 का वर्ग एक सम संख्या होगा कि विषम संख्या? आपको वर्ग निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, संख्या को देखिए। 39 का वर्ग जो भी उत्तर आए पर वो एक सम संख्या होगी कि विषम संख्या होगी? आंसर दीजिए। विषम संख्या होगी क्यों होगी बेटा? क्योंकि उस है और क्योंकि 39, क्योंकि 39 कैसी संख्या है? विषम संख्या। ओके वेरी गुड ज्योति, तो क्योंकि 39 खुद एक विषम संख्या है इसलिए उसका जो वर्ग होगा वो भी क्या होगा? विषम संख्या। 42 का बता दीजिए, 42 का वर्ग सम संख्या होगा कि विषम संख्या? संख्या होगा सम संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 42 खुद एक कैसी संख्या है? संख्या। हाँ वेरी गुड। लास्ट वाला बताइए, और भी बच्चे जवाब दीजिए। ज्योति वेरी गुड, आप बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं बेटा, और बाकी बच्चे भी जवाब दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। 100 का वर्ग क्या होगा बच्चों, सम संख्या होगा कि विषम? 100 का वर्ग, 100 का वर्ग सम संख्या होगा है ना? क्यों? क्योंकि 100 कैसी संख्या है? 100 स्वयं है। संख्या वेरी गुड, 100 खुद एक सम संख्या है इसलिए उसका जो वर्ग आएगा वो क्या होगा? एक सम संख्या होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं बेटा, इसका वर्ग निकाल लीजिएगा और आप चेक कर लीजिए सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा। तो आज हमने जो भी कक्षा में पढ़ा है वर्गमूल ज्ञात करना सीखा है, उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रही हूँ, आप उसके जरूर करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे भेजिए जल्दी से जल्दी। गृह कार्य आप नोट कर लीजिए या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गुणनखंड विधि से वर्गमूल आप ज्ञात कीजिए। यदि आप गुणनखंड के साथ साथ भाग विधि का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो आप उस विधि से भी वर्गमूल बच्चों ज्ञात कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 8,100, 729, 1,296। इन तीनों संख्याओं का बच्चों आपको वर्गमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, और याद रखिएगा जो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य रहने चाहिए। और इन क्वेश्चंस को यदि आप भाग विधि से भी हल करना चाहते हैं तो आप उससे भी हल करके मुझे भेज सकते हैं। ये जी मैम आपका व्हाट्सएप जी जी बता देती हूँ, जो लिंक है ना बेटा, लिंक मिला है ना आपको, वहां ही पे मेरा नंबर भी लिखा है। मैं फिर से फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए।
7000 911 9 11 210 2 1 0 तो चैट्स में भी आप देख सकते हैं, वहां पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। मैसेजेस में, चैट मैसेजेस में वहां पर भी मेरा नंबर दिया हुआ है। बच्चों आप होमवर्क करके जरूर मुझे भेजिए, और मुझे लगता है कि आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी, और अगली कक्षा में भी आप जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी का सेकंड पार्ट हम उसमें पढ़ने वाले हैं, घन एवं घनमूल, यानी क्यूब एवं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो ये भी उसी से संबंधित है, आपको अच्छा भी लगेगा। और जितनी भी कक्षाएं डेली हो रही है बच्चों, आप जरूर जुड़िए। मेरा जितने बच्चे जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ही से मैं आग्रह करूंगी कि आप अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा कक्षा अटेंड करने के लिए प्रेरित करें। तो आज की कक्षा में यदि आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों आज की कक्षा आपको कैसी लगी, आप ये भी बता सकते हैं। टाइम टाइम हो गया है बच्चों, और मुझे उम्मीद है आपकी आज की कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि इसके बावजूद भी कुछ आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो आप मुझे मेरे नंबर पर फोन करके भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू मैम, गुड वेलकम।